तो ब्रेक के बाद चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से ही बता रहे हैं, जहां पर जूड़ा की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी है, तो वहीं कोविड इलाज भी नहीं कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स। तो राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, इस वक्त जूड़ा की हड़ताल जो है लगातार जारी है, आज तीसरा दिन है हड़ताल का। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, कोरोना मरीजों का भी इलाज नहीं कर रही हैं डॉक्टर्स। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी भोपाल से, जूड़ा हड़ताल का आज तीसरा दिन है। तो मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा द्विवेदी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कृष्णा जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर तीसरा दिन है आज जूड़ा डॉक्टर्स की हड़ताल का, और ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स जो हैं कोरोना के मरीजों का इलाज भी नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अन्य, ये वो दौर है जब कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है और कोरोना की मरीज निकल रहे हैं कहीं कहीं, किन किन इलाकों में कोरोना के मरीज। ऐसे में डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स का होना, पैरामेडिकल स्टाफ का होना, ये जो मेडिकल स्टाफ है उन सबका होना, उन सबका काम करना बेहद जरूरी है। लेकिन इस दौरान जूनियर डॉक्टर 3 दिन से लगातार हड़ताल पे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ना और चरमराना वो बिगड़ती नजर आ रही है। जूनियर डॉक्टर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। पहले उन्होंने सरकार से अपनी मांगों को लेकर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी बात बंदी नहीं दी गई या सरकार ने उनको आश्वासन दिया, लेकिन जूनियर डॉक्टर किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं, उसके 3 दिन से वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर काम कर रहे हैं, मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। अब इस बीच कुछ सियासत की जो बयान जो हो रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों सरकार और जूनियर डॉक्टर के बीच आग में घी का काम कर रहे हैं और दोनों बात को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन अगर सरकार और जूनियर डॉक्टर दोनों चाहते तो इस मामले को बना सकते थे और आपसी सहमति से ये बात कर सकते थे। ये भी सरकार ये भी कह सकती थी कि आफ्टर कोरोना या कोरोना की दूसरी लहर के बाद हम इस मामले को लेकर बात कर सकते हैं, ये जूनियर डॉक्टर भी इस मामले को लेकर एक हल निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों की जो बातचीत और बयानबाजी और जो सियासत है वो उसमें कहीं ना कहीं जी का काम कर रही है अनन्या जी। कृष्णा जी, अगर देखा जाए तो पिछली बार भी जो है 2020 में हमने देखा था कि जूनियर डॉक्टर जो हैं पूरे अभी से 3 दिन नहीं, इनकी मांगे जो हैं वो पिछले साल से लगातार की जा रही हैं। जब कोरोना पिछली बार थोड़ा कम हो गया था, हालात थोड़े ठीक हो गए थे, उस वक्त में भी ये जूनियर डॉक्टर्स जो हैं कई जगहों पर, कई मंत्रियों के पास, कई जगह जो है हड़ताल पे थे उस वक्त में भी, सरकार ने तब भी इनकी जो है नहीं सुनी थी। अब एक बार फिर से वही दौर आ गया है जब कोरोना काल में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, उसके बाद भी जो है सरकार बात करने तैयार नहीं है, अब सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया है, तो क्या लगता है कि अब ये जूनियर डॉक्टर्स मानने वाले हैं, इनके पास एक अनुभव है पिछले साल का? देखिए अनन्या, इस तरीके से जब भी जिसका वक्त आता है, पहले जब कोरोना का दौर, जब पहली लहर जब खत्म होने वाली थी, पहली लहर का प्रकोप थोड़ा सा कम हो गया था, उस दौर में जब जूनियर डॉक्टर ने सरकार से या कई मंत्रियों से जब गुहार लगाई या बात करी अपनी मांगों को लेकर और उन पर जब बात नहीं बनी, क्योंकि जूनियर डॉक्टर का उस समय मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को बहुत ज्यादा सरकार को लगा कि उस समय बहुत ज्यादा काम है नहीं, तो उस दौरान उन्होंने बात नहीं की और बात नहीं बनी। लेकिन अब जब फिर दूसरी लहर का प्रकोप जब चल रहा है, ऐसे में जूनियर डॉक्टर ने फिर ये वक्त चुना कि फिर अपनी मांग पूरी करवाने का, तो ये तो दबाव की राजनीति है, कभी सरकार दबाव बना रही है तो कभी जूनियर डॉक्टर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अब दोनों की रस्साकसी वाली खेल में कि अपनी मांग वो मनवाना चाह रहे हैं, सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है क्योंकि अतिरिक्त बोझ आएगा, सरकार उनकी बात कैसे वो करे। तो हालांकि सरकार चाहे और अगर ये सब सारी चीजें और सारी सहमति होती है तो वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन सरकार कितना सहमति इनकी मांगों से जता पाती है ये एक अलग बात है अनन्या जी। कृष्णा जी, संकट काल में डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना, क्या लगता है कि ये कुछ ज्यादा सही नहीं, मतलब गलत बात नहीं है इस वक्त में? ये संकट काल में ऐसे में डॉक्टरों को हमेशा साथ देना चाहिए और डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ को साथ दे ही रहे हैं, केवल जूनियर डॉक्टर्स की अपनी एक कोरोना काल में अपनी एक अलग मांगे हैं, चाहे उनकी अपनी परिवार की सुरक्षा
और परिवार के लोगों को कोई भी डॉक्टर की अगर दुखद निधन होता है तो उसके परिवारों को एक आर्थिक सुरक्षा देने का मांग हो, तो उनकी एक अपनी अलग मांगे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भी उनके दिल में भी एक थोड़ा सा डर है अपने परिवार को लेके, कोरोना को लेके और अपनी सुरक्षा को लेके। तो ऐसे में सरकार को भी उनको ये भरोसा दिला देना चाहिए कि आपके लिए अगर कुछ हो जाता है तो पूरी सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। और ऐसे में और लेकिन कहीं ना कहीं जो जूनियर डॉक्टर का ये समय चुनना, जो कोरोना की दूसरी लहर का जो समय है ये समय चुनना, ये समय गलत है। लेकिन मैं फिर आपको वही बता रहा हूँ कि ये जो दबाव की राजनीति होती है, दबाव की बात होती है, एक दूसरे से दबाव बनाने की जो कोशिश है, अभी कोरोना की लहर है, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है, ऐसे में जो समय चुना वो जूनियर डॉक्टर ने यही समय चुना। लेकिन सरकार क्योंकि इससे दूसरा समय अगर ये जुड़ा अपनी मांगों को लेकर चुनते तो शायद सरकार उनकी बात पर ध्यान भी नहीं देती है, सरकार उनकी बात सुनती नहीं सुनती। जी धन्यवाद कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी भोपाल से, मध्य प्रदेश में लगातार जूड़ा की हड़ताल जो है जारी है और आज तीसरा दिन है। ऐसे में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ये जूनियर डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भी इन्होंने इनकार कर दिया है कि हम कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। सरकार से लगातार ये अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है।